लामा फेरा हीलिंग बुक करने के लिए आपका हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं रेशम काम्बोज टैरोट्री ऑफ लाइफ से। मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हीलिंग एनर्जी है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है अगर आप इसके ऊपर अपना भरोसा बनाए रखेंगे एंड गौतम बुद्ध के चरणों के अंदर अपनी तकलीफ़ों को समर्पित कर देंगे। ये हीलिंग आपकी ज़िंदगी के अंदर से किसी भी तरीके की बाधाओं, भूत बाधा, प्रेत बाधा, नज़र इत्यादि, और अगर आपकी किसी भी प्रकार की आपकी हेल्थ की इशू है उसको भी ये बहुत अच्छे से ठीक करेगा। अब आप गौतम बुद्धा को अपनी सारी परेशानियों को समर्पित करते हुए आप लेट जाएंगे, लेकिन लेटने से पहले इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका पूरा रूम जो है बहुत अच्छे से साफ हो। नई बेडशीट अगर आप बिछा सकते हैं तो वो बिछाए, आपका रूम नीट एंड क्लीन हो, उसके बाद आपने नहाया हो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप नहाना छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने पानी के अंदर टेबल सॉल्ट यानी कि नॉर्मल नमक जो है वो डालकर अगर आप नहाएंगे तो और अच्छे से आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी जब आपकी रिलीज़ होगी और उसके बाद जब आप हीलिंग रिसीव करने लेटेंगे, अगर आप ज़मीन पे लेटते हैं तो एक चादर बिछा के लेट सकते हैं, और अगर आप बेड पे लेटते हैं तो आपकी बेडशीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब आप आँख बंद कर लेट जाएंगे एंड आपके सामने एक जो मंत्र आएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वो लगभग 10 से 11 मिनट प्ले होगा। उसको आपको सुनना है। जैसे ही आपका मंत्र खत्म होगा, कंप्लीट होगा, संपूर्ण होगा, उसके बाद आपको पानी पीना है। ठंडा पानी आपको पीना अवॉइड करना है, और कोल्ड ड्रिंक इसके बाद पीना आपको अवॉइड करना है, ठंडी चीज़ें या आइस वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा आप ल्यूक वॉर्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी या कोसा पानी जिसको हम बोलते हैं वो आप पियेंगे। हीलिंग रिसीव करने के बाद ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा लोगों से बातें ना करें। हल्की एनर्जी, आपको हल्की हैवीनेस फील हो सकती है जो कि बहुत अच्छा संकेत है कि आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी जो है निकली है। हीलिंग रिसीव करने के बाद आपके मन में एक बहुत अच्छी सी शांति आएगी एंड आप बुद्धम नमो बोलकर वो गौतम बुद्धा का शुक्रिया अदा कर आप हीलिंग को संपूर्ण कर सकते हैं। अब आपके सामने मंत्र प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। Good.
Gacchami.
अच्छा।